धोनी के चहेते खिलाड़ी ने 3 साल बाद की दमदार वापसी, 283 रन बनाए, जड़ दिए 21 चौके और 12 छक्के। केदार जाधव ने असम के खिलाफ मैच में 283 रन की शानदार पारी खेली। उन्हें ऋतुराज गायकवाड़ की जगह मौका मिला था, लेकिन उन्होंने अब टीम में अपनी जगह पक्की कर ली है। केदार जाधव ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में शानदार वापसी की है। महाराष्ट्र के लिए 37 साल के इस खिलाड़ी ने 283 गेंद में 283 रन की शानदार पारी खेली। पुणे के डीवाई पाटिल एकेडमी में रणजी ट्रॉफी के चौथे दौर के मैच में असम के खिलाफ उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की। उनकी शानदार पारी के चलते महाराष्ट्र ने पहली पारी 9 विकेट पर 594 रन बनाकर घोषित की। इसके साथ ही उनकी टीम को 320 रन की बढ़त मिल गई। एक समय पर धोनी के चहेते खिलाड़ी रहे केदार जाधव खराब फॉर्म से जूझ रहे थे। भारत के पूर्व कप्तान धोनी केदार जाधव को मध्यक्रम बल्लेबाज के अलावा साज एदारी तोड़ने वाले गेंदबाज के रूप में भी बखूबी इस्तेमाल करते थे और जाधव अक्सर सफल रहते थे। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी धोनी ने जाधव का बखूबी इस्तेमाल किया। केदार जाधव ने आखिरी बार दिसंबर 2019 में छत्तीसगढ़ के खिलाफ महाराष्ट्र के लिए प्रथम श्रेणी मैच खेला था। चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व बल्लेबाज को इस बार ऋतुराज गायकवाड़ की जगह खेलने का मौका मिला। राहुल त्रिपाठी और ऋतुराज गायकवाड़ का भारतीय टी20 टीम में चयन होने के बाद जाधव को खेलने का मौका मिला और उन्होंने कमाल की पारी खेली। केदार ने 2022 में केवल 2 घरेलू मैच खेले थे, लेकिन इस मैच में वह फॉर्म में लौट आए। आने वाले मैचों में इस खिलाड़ी की दमदार वापसी देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।